में अराउंड 55-56 दिन हो गए हैं। उसमें पिछले टाइम के ऊपर, पिछले साल इसी पीरियड में हमारे तकरीबन 258 के करीब एक्सीडेंट डेथ हुई थी, लेकिन अभी इस लॉकडाउन में 21 डेथ हुई हैं। मेरा ऐसा मानना है, जब हमारी ट्रांसपोर्ट 5% ही चली और फिर भी 21 लोगों की जान चली गई, तो ये थोड़ा सीरियस है। अभी तो हमारा एक्सीडेंट और डेथ जो है नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अगर वो हुई है तो इसका मतलब ये है कि हमको रीज़न देखना पड़ेगा। फिर डेटा को हमने एनालाइज किया और हमने ये पाया है कि अब इसमें शायद ये कारण रहा कि जब कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा था, लोग नहीं चल रहे थे और सड़कें हमारी खाली थी, उसमें एक अपॉर्चुनिटी थी। जो भी आदमी सड़क पे आया तो उसने गाड़ी को तेज चलाना शुरू कर दिया। सो उसमें ओवर स्पीडिंग से हमारे 75% एक्सीडेंट जो है ओवर स्पीडिंग से हुआ।